समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापेमारी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। अखिलेश यादव के ओएसडी रहे जैनेन्द्र यादव और कारोबारी राहुल भसीन के आवास पर इनकम टैक्स की टीम दूसरे दिन भी सर्चिंग कर रही है। सपा के करीबी जगत यादव के घर से भी आईटी टीम ने प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए हैं, इनकी जांच की जा रही है। उधर मऊ में पार्टी प्रवक्ता राजीव राय के घर छापेमारी खत्म हो गई है। राजीव राय को पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तत्काल लखनऊ बुलाया है। अखिलेश उनसे छापों के संबंध में बात करेंगे। शनिवार को दिन भर चली कार्रवाई के बाद जैनेन्द्र यादव से आईटी टीम ने दो लैपटॉप और कुछ पेन ड्राइव जब्त किए हैं। यादव के घर से आईटी को नकदी नहीं मिली है। राहुल भसीन के घर से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जब्त किए गए हैं। मैनपुरी में मनोज यादव के घर भी आईटी टीम की कार्रवाई जारी है। मऊ में राजीव राय के घर पर 17 घंटे की कार्रवाई में इनकम टैक्स को महज 17,000 रुपए नकदी मिले हैं। 17 घंटे बाद यानी रात 12 बजे टीम में वापस गई। कार्रवाई खत्म होने के बाद घर के बाहर आए सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने कहा कि इनकम टैक्स वालों को पूरे घर से 17,000 रुपए नकद मिले हैं, वह घर खर्च के पैसे थे। आईटी टीम उनके मोबाइल का पूरा डाटा क्लीन कर अपने साथ ले गई है। तीन अलग अलग ठिकानों में छापेमारी में आईटी टीम को क्या मिला है इस पर अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। कार्रवाई के बाद राजीव राय ने कहा कि जो काम 2 घंटे में हो जाता है उसके लिए 17 घंटे लिए गए। इतना ही नहीं, मेरे माँ बाप परिवार और रिश्तेदारों को सुबह से बंधक बनाकर रखा गया। मेरे 4 से 5 जगहों पर छापे पड़े हैं। चुनाव से ठीक पहले अगर आप हमारे यहाँ छापा मारते हैं तो अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन यह पूरी कहानी को बयां करता है। राजीव राय ने कहा कि ना तो मुझ पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ना आगे होगा। मैं जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूं, अखिलेश यादव और नेताजी का सिपाही हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हम नहीं डरेंगे। राजीव राय ने बताया कि आज से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था और ना ही कोई पूछताछ हुई थी। मेरा हर साल इनकम टैक्स फाइल होता है, कभी कुछ नहीं मिला था, ना ही दस्तावेजों में कुछ मिला है, ना ही बड़ी रकम मिली। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम मेरा फ़ोन, जीमेल की आईडी, पासवर्ड, पासबुक साथ ले गई है। शनिवार को इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 4 करीबी नेताओं के आवास पर छापा मारा था। इनमें लखनऊ के जैनेन्द्र यादव और राहुल भसीन, मैनपुरी के मनोज यादव और मऊ में राजीव राय शामिल हैं।